खलारी के नेहरू स्टेडियम में गुरुवार की शाम श्रावणी मेला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केडीएच परियोजना पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार, सीओ प्रवणव अंबस, थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, कांग्रेस नेता सुरेश बैठा सहित कई लोगों ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर और पूजा अर्चना कर इस मेला का उद्घाटन किया। मेला में बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें, खाने पीने चीजें के स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर मेला समिति के संरक्षक राजन सिंह राजा, चंदन बैठा, इंदिरा देवी, सुनील कुमार सिंह, प्रेम कुमार, अब्दुल्ला अंसारी, शैलेश कुमार, सुनील कुमार, सोनू पांडे, तनवीर आलम, सुनील सिंह, बिट्टू सिंह, बिक्की सिंह, गोपाल सिंह, आनंद सिंह, कार्तिक पांडे, बाबू खान, रविंद्र चौधरी, रोशन लाल, नीलू विश्वकर्मा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये चार दशकों से ये मेला मनाया जा रहा था, इस बार भी शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा और हम प्रशासन वाले और आज उत्तरी तरनपुरा क्षेत्र के खलारी कोयलांचल के अंतर्गत हमारे सीसीएल के धरातल पर श्रावणी मेले का शुभारंभ हो रहा है। इस मेले के शुभारंभ पर उपस्थित हमारे खलारी ग्रामवासियों को तथा यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि को, हमारे कोयलांचल वासियों को एवं छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको और सभी सम्मानित महिलाएं, उन सबों का इस मेले में स्वागत है। मैं उन सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मेले में आए और मेले का एंजॉय करें, साथ साथ इस मेले के आयोजनकर्ता को भी आप सहयोग दें, साथ दें, ताकि मेले का सुरक्षा के दृष्टि से संपूर्ण सुरक्षा उपस्थित हो। और मैं यहाँ के प्रशासन से भी अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग इस मेले को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दें, साथ दें। और मैं सभी को यहाँ पर उपस्थित धन्यवाद दे। बोलिए सर। हाँ, श्रावणी मेला में सभी को मैं विशेषकर कोयलांचल में बहुत ही पिछले 40 सालों से लोग मेला का मुख्य उठा रहे हैं और बहुत ही अनुशासित ढंग से इस मेला का आयोजन होता रहा। मैं कामना करता हूँ भगवान शंकर से कि शांति बनाए रखे और अच्छा से ये मेला संपन्न हो और बहुत ही रमणीय माहौल में इस मेला को लोग मनाते हैं। और लगभग एक महीना तक ये जो मेला होता है जिसमें सभी जगह से लोग आते हैं, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं इस अवसर पर कोयलांचल के सभी साथियों को। धन्यवाद।